कंपनी अब आपको पावर स्टीयरिंग देती है सिंगल शाफ्ट रोड के साथ। डबल पंप मिलता है एक पावर स्टीयरिंग के लिए, एक हाइड्रोलिक पंप के लिए, क्योंकि इसके अंदर कंपनी लंबे समय तक कभी भी कुछ समस्या आती है तो आप इसे रिपेयर करा सकते हो, चेंज कराने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। छोटा सा स्टीयरिंग मिल जाता है लट्टू के साथ और काफ़ी सुंदर इसके अंदर मीटर मिलता है आपको। इसके अंदर आपको एडजस्टेबल सीट मिल जाती है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे, और सेंट्रल शिफ्ट गियरबॉक्स मिलता है, फुली कॉन्स्टेंट गियरबॉक्स मिलेंगे। नमस्कार सभी किसान भाइयों और सभी दोस्तों को। तो आज सभी किसान भाई के लिए एक ऐसे ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि 34 हॉर्स पावर में आने के बावजूद भी आपके 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर जितना काम करता है। और यकीन मानना, इस ट्रैक्टर को मैंने खुद ट्रैक्टर को फील्ड में चला कर देखा, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। 9 के टाइम पे फुल लीवर छोड़ने के बाद इस ट्रैक्टर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिलता सब कुछ ही दिखाऊंगा। 2023 मॉडल है तो आपको पूरी वीडियो देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर से, तो इसके अंदर देख सकते हो 6 16 के फ्रंट टायर मिल जाते हैं जो कि आपको JKK दे रही है कंपनी इसके अंदर। अगर हम रियर टायर की बात करते हैं तो इसके अंदर देख सकते हो 13 6 28 का रियर टायर मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के लुक और परफॉर्मेंस फेस की, तो इसके अंदर देख सकते हो जो सोनालिका का फ्रंट लुक मिलता है लगभग सभी ट्रैक्टर के अंदर उसी तरह का मिलेगा, 3D में सोनालिका लिखा मिलेगा। और चाबी के साथ इसका बोनट खुल जाता है, दोनों साइड में आपको इसके अंदर हेलोजन बल्ब मिल जाता है राउंडेड, जिसके अंदर कंपनी ये सिल्वर कलर की प्लेटिंग को इंक्लूड करते हैं, पहले पूरी ब्लैक आती थी। और काफ़ी अच्छा इसका फेस लुक मिलता है, इसके अंदर टूचन करने भी कंपनी पहली प्रोविजन कर रखा। अगर हम वेट की बात करते हैं तो इसके अंदर कंपनी लगभग आपको 80 किलो कंपनी फिट वेट देती है। अभी बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की और स्टीयरिंग को लेकर के, तो इसके अंदर देख सकते हो कंपनी ने बहुत ही हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया है। अब अगर हम इसकी स्टीयरिंग को लेकर के बात करते हैं तो कंपनी इसके अंदर देख सकते हो सिंगल शाफ्ट रोड हैंडल टाइप पावर स्टीयरिंग दिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलता है, ठीक है ना। इसके अंदर देख सकते हो कंपनी ने चूल्हा भी बहुत ही हैवी ड्यूटी दिया है, जिसमें आप कितना भी हैवी ड्यूटी बम्पर लगवा सकते हो आप आगे की तरफ। अभी हम राइट एंड साइड से देख सकते हैं ट्रैक्टर अंदर क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूँ, जो इसका फेंडर पे इंडिकेटर पे पार्किंग मिल जाते हैं, ये आपको बल्ब नुमा मिलते हैं, साथ साथ रिफ्लेक्टिंग लाइट भी मिलेगी बगल में ही। दोनों ही फेंडर काफ़ी मजबूत मिल जाते हैं, इसमें देख सकते हो रबड़ के गुटके लगा रखे, ताकि इसमें आप अपनी सीट भी लगवाना चाहते हो वो भी लगवा सकते हो, छेद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक कलर के ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, हम पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, और उसमें हमारा कोई पैसेंजर बैठता है तो बड़ी मजबूती के साथ बैठ भी सकता है। सीट की बात करते हैं तो सीट इस ट्रैक्टर के अंदर, इस श्रेणी के अंदर बड़े ट्रैक्टर में सबसे छोटी HP का ट्रैक्टर है, 34 HP का, फिर भी कंपनी देख सकते हो एडजस्टेबल सीट दी है, इधर लीवर मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के PTO गियर की, तो उसके अंदर देख सकते हो कंपनी ने ये इधर PTO गियर दिया है, टूल बॉक्स भी इसमें फाइबर का मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर क्लच की, तो इसके अंदर सिंगल क्लच ट्रैक्टर मिलेगा, बहुत ही हैवी ड्यूटी फुट स्टेपर मिल जाता है, उसमें हम पैर के ऊपर चढ़ते हैं। गियरों की बात करते हैं, इसके अंदर देख सकते हो सेंट्रल शिफ्ट गियरबॉक्स मिलेंगे, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, जो कि फुली कॉन्स्टेंट मैक्स गियरबॉक्स मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके गियरबॉक्स हब की, तो उसके अंदर देख सकते हो बहुत ही हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स हब मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके डीजल टैंक की, तो ट्रैक्टर में आपको 50 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, जिसे आप 55 लीटर तक फिल कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल ऊपर तक करना है। अगर इधर बात करते हैं जैसे, तो उसके अंदर देख सकते हो वाटर चैप्टर के साथ साथ एक डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाता है। अगर हम पंप की बात करें तो कंपनी इसके अंदर बॉस का इंजन 3 पंप दिया है, क्योंकि 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है और 2781 cc का इंजन है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि 2200 rated RPM पे आप ओ सॉरी 1800 rated RPM पे 34 hp जनरेट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है। इस ट्रैक्टर के इंजन की परफॉर्मेंस आप यूज़ करके देखना, इस ट्रैक्टर को चला करके आप 45 hp के ट्रैक्टर के साथ चला सकते हो। मैंने 9 के टाइम पर पूरे लीवर छोड़ने के बाद ट्रैक्टर को चलाया, ट्रैक्टर ने 1% भी लोड नहीं डाला, 1% भी आपने RPM ड्रॉप नहीं किया, इसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। अभी हम इसके राइट हैंड साइड से देखते हैं ट्रैक्टर अंदर क्या कुछ मिलता है, तो इसके अंदर देख सकते हो CM सीरीज के अंदर इसके अंदर गियरबॉक्स मिल जाता है, यानी कॉन्स्टेंट गियरबॉक्स मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 35 mp का ऑल्टरनेटर मिलेगा, जो कि इसकी बैटरी को चार्ज करने सफिशियंट है। डबल पंप मिल जाते हैं प्रॉपर एक पावर के लिए, एक हाइड्रोलिक के लिए, डबल देने का बेनिफिट होता है, कभी भी इसके अंदर खराब भी नहीं आती, जिसका आपका जिससे आपका समय और पैसा बच जाता है, और इसके अंदर कभी भी आपको मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर धर मिलेगा, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर धर मिल जाता है, ठीक है। और राइट एंड साइड पर आपको सलेंसर मिलेगा गोल हंडी के साथ, जिसमें कंपनी हीडलाइट प्लेट लगा के दे रखी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बोर स्ट्रोक की, तो इसके अंदर 100 mm का बोर और इसके अंदर 118 mm का स्ट्रोक मिल जाता है, 167 Nm टॉर्क के साथ 20% बैकअप टॉर्क भी निकाल के देता है ट्रैक्टर अपना। इधर से हम बात करते हैं बैटरी की, तो इधर बैटरी बॉक्स भी राइट एंड साइड पर मिलेगा आपको, 1.5 kW की सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाती है, ऑटो लेफ्ट कंपनी की मिलेगी अभी इसमें, जो कि आपको 4730 चक्कर मिलते हैं इस ट्रैक्टर के। ब्रेकिंग की बात करते हैं ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ऑयल एंड डिस्क ब्रेक दिया है, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग सेट दिया है पहले के मुकाबले। पैर की एक्सेलेटर भी देख सकते हो, कुछ किसान को पसंद आए कुछ को नहीं, देखो मैं अपना फीडबैक रखता हूँ, तो मुझे ये इस तरह की एक्सेलेटर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
अगर हम बात करें इसके दर्शन, तो उसके अंदर देख सकते कंपनी ओलिमिट जिस की बैजिंग दिखा रखी है, पीसीडीसी के लिए आपके हाथ की पहुंच में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के एसएफसी और पीटीओ हॉर्स पावर की, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर 33 हॉर्स पावर की पीटीओ मिल जाती है और इसके अंदर 260 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे की एसएफसी मिल जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं पीछे आ चुके हैं, पीछे देखते हैं ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त, इसके अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, 1800 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी कर लेता है। इसका जो हिच मिलता है वो भी बहुत ही हैवी ड्यूटी मिलता है, कंपनी फिटेड आता है इस, जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तीन टॉप रिंग लिंकेज मिल जाती है एडी सेंस के साथ। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वॉल को लेकर, तो कंपनी इसके अंदर सिंगल पीस डिस्ट्रीब्यूटर वॉल है जो कि फुल मैकेनिज्म के साथ मिलता है और इसके अंदर दोनों फेंडर में वाइब्रेशन है, उसके लिए कंपनी रोड लगा देती है, देख सकते हो इधर से इधर। रिफ्लेक्टिंग लाइट के साथ साथ बोतल होल्डर मिल जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की पीटीओ की, तो इसके अंदर सिंगल पीटीओ मिलेगी 5 चक्कर के साथ, 33 हॉर्स पावर जनरेट करती है और ब्रेकिंग लाइट इंडिकेटर लाइट बल्ब नुमा मिल जाती है। साथ साथ नंबर प्लेट के लिए कंपनी पहले प्रोविजन कर रखा है, देख सकते हो आप, यहाँ लगवा सकते हो आप अपनी। और इसके अंदर एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है, रात में कोई इंप्लीमेंट जोड़ना है खेती करने में, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। गारंटी की बात करते हैं तो कंपनी इसके अंदर 2 साल 200 घंटे गारंटी दिया। आइए एक बार इसकी आपको आवाज सुनता ट्रैक्टरी कैसी है। तो जैसे आप देखते हैं ऊपर आ चुके हैं, ऊपर देखते हैं काफ़ी छोटा इसके अंदर स्टीयरिंग मिल जाता है, लट्टू के साथ मिलेगा। मीटर की बात करते हैं, इसके अंदर बहुत ही शानदार मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको डिजिटल में सिर्फ घंटों का, बाकी पूरा एनालॉग मिलता है। सिंगल स्विच सेट मिल जाता है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर हॉर्न इसके अंदर होगा, इंडिकेटर इसके अंदर होगा इधर, और इधर हेडलाइट का स्विच है, हैजार्ड स्विच इधर मिल जाता है इसके अंदर, देख सकते हो इधर, मैंने आपको उसमें शो भी कर दिया। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर की डीजल खपत की, ट्रैक्टर एक घंटे में 3.5 से लेकर 4.5 लीटर डीजल लेता है फुल रोड के साथ। ये ट्रैक्टर उन किसान के लिए बहुत ही अच्छा है जो किसान पहली बार ट्रैक्टर ले रहा है, साथ ही साथ उस किसान को कन्फ्यूज़न है कि बड़ा ट्रैक्टर सही रहेगा या छोटा सही रहेगा, तो वो किसान इसको ले सकता है और अपने बड़े भी काम इससे कर सकता है, छोटे भी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ट्रैक्टर है। आइए एक बार इसकी आवाज़ सुनते हैं। ट्रैक्टर का सबसे पहले मीटर कंसोल देख सकते हो, इस तरह का मीटर मिलता है, ट्रैक्टर की आवाज़ कितनी जबरदस्त है, आवाज़ ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर जैसी करता है। स्टीयरिंग कटिंग देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग कटिंग है ट्रैक्टर का। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, थैंक यू।